हिमाचल में सांझा फ्रंट के रूप में जनता को तीसरा विकल्प दिया जाएगा और कांग्रेस और भाजपा के फ्रेंडली मैच को खत्म किया जाएगा। ये बात पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने पुलिस सहित अन्य कर्मियों की मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन के दौरान धर्मशाला में कही। धर्मशाला में डॉक्टर राजन सुशांत ने भाजपा व कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि जब तक जनता को चैन नहीं आएगा तब तक भाजपा व कांग्रेस को भी चैन से नहीं जीने दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा व कांग्रेस दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वे जनता को केवल बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। सुशांत ने कहा कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ने ही लोगों के साथ छल किया है और लोगों को केवल मूर्ख बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एनपीएस, ओपीएस सहित अन्य कर्मियों की जो समस्याएं हैं वे आज तक अनसुलझी रही हैं और कोई भी दल इनको सुलझाने की ओर दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल चुनावों के समय इन दोनों ही दलों को कर्मचारियों की याद आती है और उसके बाद उनकी मांगों को भूल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा केवल टुकड़ों में ही कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जा रहा है, जो कि उनके साथ दुर्व्यवहार है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के साथ प्रदेश सरकार दुर्व्यवहार कर रही है और उनके मांगों को केवल टुकड़ों में ही मानने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरा फ्रंट लाकर इन दोनों ही पार्टियों को अब लोग बाहर का रास्ता दिखाएंगे, ऐसा उम्मीद है। प्रदेश के 12 लाख बेरोजगारों को रोजगार के लिए कोई भी योजना ना तो वर्तमान बीजेपी सरकार बना पाई है ना पूर्व में कांग्रेस की सरकार बना पाई है। दूसरा, लगभग 2 लाख एनपीएस के कर्मचारी भाइयों को ओपीएस लागू नहीं हुई है, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। ऐसे ही पेंशनर्स और सेवारत जो हमारे 4 लाख एनपीएस के हों चाहे ओपीएस के हों, इनकी विभिन्न मांगे हैं। और साथ साथ में 7th पे कमीशन के अंदर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री उपहास उड़ा के, मजाक उड़ा के टुकड़ों टुकड़ों में इनकी मांगे मान रहे हैं और उसको मान रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा घोषणा कर दिया प्रदेश के लिए, उसके ऊपर भी हम आज मुख्यमंत्री जी को भी थोड़ा धरातल पर उतार के संविधान समझाना चाहते हैं। पुलिस कर्मचारियों की मांगे हैं, जिस तरह से पुलिस कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार इन सरकारों ने किया है आप जानते हैं। दोनों सरकारें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एवरेज 1 साल के अंदर लंगड़ा रोजगार देती हैं, वो भी सिर्फ एवरेज 3,000 लोगों को। 12 लाख लोगों में से 3,000 को मैं लंगड़ा इसलिए कहता हूँ, रेगुलर नहीं है, आउटसोर्स पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कई साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट को आस्ते आस्ते दूर करते हैं, टुकड़ा फेंकते हैं, 8 का 7 साल, 7 का 6 साल, फिर रेगुलर होने के बाद एनपीएस, फिर ओपीएस, एक ये चक्करव्यूह में फंसा के रखा है। उस चक्करव्यूह को तोड़ने का हमने संकल्प लिया है, इसलिए हमने ऐलान किया है कि इनकी तरह ड्रामा नहीं करेंगे। हिमाचल की जनता से अपील है, कर्मचारियों से अपील है, हमारा साथ दो, 6 महीने चुनाव को बचें। इस बार ना बीजेपी ना कांग्रेस, हमारा जो अलायंस बन रहा है क्षेत्रीय दलों का, उनकी सरकार बनाए और हमने वचन दिया, एफिडेविट दिया है, 1 साल के अंदर 3,000 नहीं, पहले ही साल में 2 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, पहला। दूसरा, ओपीएस बहाल करने के लिए हमने कहा है कि ओपीएस बहाल करनी है, हमारी सरकार आएगी तो हम शपथ लेते ही 2 घंटे के अंदर अंदर ओपीएस की नोटिफिकेशन जारी करेंगे।